यानी 4 तारीख सुबह करीब 8 बजे ईडी के और साथ में जो सीआरपीएफ वगैरह सारी फोर्स थी वो घर में एंटर की थी, और उसके आज देखिए 8 तारीख दोपहर के टाइम गए हैं, 5वां दिन लगा लीजिए आप। तो आज क्या बताया जा रहा है कि दिलबाग सिंह जी को साथ ले गए हैं? उनको अरेस्ट करके ले गए हैं साथ। तो क्या आपको कोई कागजात दे के गए हैं? हाँ, मैं उनका जो अरेस्ट के जो लेके गए हैं उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो हमारे से हमें हैंड ओवर कर गए हैं कि हम इनको अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इतना कैश या जितना जो भी रिलीज किया है ईडी ने, उसमें आपका क्या कहना है? नहीं, हमारे पास तो ईडी का रिटर्न पड़ा हुआ आपके सामने, मैंने आपको दे भी दिया है उसकी एक कॉपी। हमारे पास तो ना एक रुपया कोई कैश मिला है, ना कोई एक ग्राम सोना मिला है। हमारे घर से तो टेलीफोन जरूर मिले हैं 4-5, वो मेरा है, मेरी वाइफ का है, दिलबाग जी का है, उनकी वाइफ का है, हमारी माँ का है, और उसके बाद हमारे जो घर में चेक बुक्स थी जो हमारी और हमारे पारिवारिक मेम्बर्स की थी, तो वो चीज़ें मिली हैं जी। ये मैंने कॉपी आपको दे दी है, आप खुद ही तस्दीक कर लीजिए इसके बारे में। जिस प्रकार से जो FIR आनी है यहाँ से की गई है प्रशासन द्वारा जी, उसमें दिलबाग सिंह जी के नाम से की गई है जी, अवैध वेपन को लेकर के, और शराब को लेकर। नहीं, अवैध वेपन तो कैसे हो सकता है, जो अब DC साहब ने उसका हमें लाइसेंस दिया हुआ रखने का, तो अवैध कैसे हो गया वो उनके पास ही रिन्यूअल के लिए उसका जो लाइसेंस है वो गया हुआ और उनके ऑफिस में पड़ा है। तो उनका कहना है कि विदेशी हथियार है ये। हथियार तो विदेशी भी हो सकता है, देसी भी हो सकता है, वो लाइसेंस दे है, उसमें देसी विदेशी का तो कोई मसला है ही नहीं। तो जो पैसा दिखाया गया सर इसमें इतना नहीं, पैसा तो ईडी वालों को पूछो ना, अगर हमारे पास पैसा था वो क्या वो कहाँ ले गए पैसा? वो 5 करोड़। 5 करोड़ की बात आप करते हैं तो 5 करोड़ होता तो हमारे इस जो सीजर रिपोर्ट देखे गए हैं उसमें वो उसको मेंशन करते हो, तो माना जाए कि किसी कोई राजनीति लगती है आपको, इसमें कोई राजनीति से प्रेरित हो सकता है? राजनीति लग सकती है जी, देखो इलेक्शन की आहट है ये, इलेक्शन अब मानिए आप 2-4 महीने में आने वाला है, और इलेक्शन से पहले अब देखो और क्या क्या करेंगे जो लोग इलेक्शन बड़े लेवल पे जो पार्टीज लड़ रही हैं, तो वो क्या करते हैं वो वक्त बताएगा। तो ये 3-4-5 दिन से ये यहीं बैठे थे, तो क्या कर रहे थे? तो आप भी रेड में शामिल थे? नहीं, मैं भी, हम सारे कैद थे जी 5 दिन से, मानिए आप 4 तारीख सुबह 8 बजे से लेकर के और आज 8 दोपहर तक, तो हमें तो हिलने का भी हुक्म नहीं था। 10 CRPF के लोग, उसके बाद 10 लोग इनके जो स्टाफ के थे, तो वो घर में कब्जा करके बैठे थे। तो अब आप देख लीजिए कि किसी के घर में 4-5 दिन इतने लोग आके बैठ जाएं, सर्च तो एक दिन में ही हो जाती है, 4-6 घंटे में कंप्लीट हो जाती है अगर इन्होंने करनी हो। ये तो हरास करने का और परेशान करने का एक तरीका है उनका। तो आगे आप क्या करेंगे? आपको नहीं, हम अपनी इसकी जो कानूनी कार्रवाई जो बनेगी वो बैटल हम लड़ेंगे, उसको फाइट करेंगे, कानून का सहारा लेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे और वहाँ से हम रिलीफ मांगेंगे कोर्ट से, और हमारे ऊपर कोई ऑफेंस तो बनता नहीं है। हमारा जो लाइसेंस, उन्होंने आर्म का लाइसेंस के बारे में बताया, वो भी DC साहब के ऑफिस में पड़ा है, मैंने आपको बताया भी है। ये सारी छोटी छोटी ये ऐसी चीज़ें बना करके, किसी की चीज़ किसी का नाम लगा करके, उसके बाद कोर्ट में हम पेश करेंगे और वहाँ से हमें रिलीफ, पूरी उम्मीद है हमें कानून पे कि हमें उसमें रिलीफ मिलेगा। रजिस्ट्री, और उसके बाद ये आगे लिखा आता है कि करेंसी क्या मिली, नील। उसके बाद ज्वेलरी क्या मिली, नील। कोई फॉरेन करेंसी, नील। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये इसमें हमारे घर के टेलीफोन जैसे कोई मेरी माँ का या मेरा या मेरी वाइफ का या दिलबाग जी की वाइफ का या किसी घर के किसी और मेंबर का, ये उसकी लिस्ट है। उसके बाद ये व्हीकल्स जो हमारे नाम पे रजिस्टर्ड है, दिलबाग सिंह जी के नाम से उनकी गाड़ी है, और ये आगे आ गया जी अदर सीजर्स, वो नील। उसके बाद आइटम्स रिकवर्ड बट नॉट सीज्ड, इसमें ये टोटल चेक बुक्स की डिटेल है, ये बैंक अकाउंट्स हैं जितने हम घर के मेंबर्स हैं उसकी है, ये चीज़ टोटल हमारे से रिकवर हुई है। और अखबार लिख रही है 5 करोड़ आ गया, 2 किलो सोना पकड़ा गया, 1 किलो सोना पकड़ा गया, बताइए इसमें क्या सीजर है, आप बताइए, आप पत्रकार महोदय
पत्रकार साथियों, प्रेस के साथियों, ईडी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई है, सेकंड डे की गई थी कि जो हमने जो 20 यमुनानगर 7-8 लोकेशन पे रेड की है, वहां से 5 करोड़ कैश रिकवर हुआ है, गोल्ड रिकवर हुआ है और आर्म्स रिकवर हुए हैं, लिकर हुए हैं। तो वो हो सकता है कि आपके जो करीबी है उनके वहां से हुआ हो। मेरे करीबी तो यहाँ 200-400 लोग और भी खड़े हैं, तो अगर इनसे कुछ रिकवरी हो जाती है या ये कोई ऐसा काम कर देते हैं तो उसमें मेरी जिम्मेवारी क्या है? और जहाँ पे वो कौन सी विस्की कहते हैं वो पकड़ी गई है, वो दिलबाग सिंह के नाम थोड़ी है वो। तो सर जिस तरीके से अब ये डॉक्यूमेंट्स आप दिखा रहे हैं इसमें नील सारा कुछ नील लिखा हुआ है, तो किस बिहाफ पे ईडी गिरफ्तार की गई कुछ बता के? वो कह रही है कि जी आपका कोई फ्लास स्टोन क्रैशर है, उसमें उन्होंने कोई गलत परचेज ली है या कोई गलत करा है, तो उसमें दिलबाग सिंह का क्या कसूर है उसमें? जिसमें दिलबाग सिंह के नाम है क्या? ना 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 ना, दिलबाग सिंह के नाम तो कुछ भी नहीं है। दिलबाग सिंह तो राजनीति करता है, दिलबाग सिंह कोई व्यापार थोड़ी कर रहा है किसी बात में। ये तो जिसके पास भी जाते हैं उसको कहते हैं दिलबाग सिंह का नाम लो, ये उसकी है उसकी है, ये तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो कोई प्रजातंत्र नहीं है। हमारे घर जो 2 FIR भी दर्ज की गई है, इनके जी, से की गई है। जी वो किस भी आप पे की गई? वो हमारे लाइसेंसी हथियार हैं दिलबाग सिंह जी के, तो वो उनको उनके पास रिकॉर्ड है, खुद DC ऑफिस में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और DC साहब को पता है इस बात का, और उनको पता होना चाहिए जिसके ऑफिस में लाइसेंस पड़े हैं या पेपर्स पड़े हैं उसको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो वहाँ पे कोई वाइन मिली है या कोई विस्की मिली है, वो प्रेमिसेस कोई दिलबाग सिंह की थोड़ी है, वो जिसकी है वो कह देगा मेरी है, तो केस का हैगा बना, बताइए आप। तो ये लगता है राजनीति से प्रेरित मामला है सारा। ये तो आप ज्यादा बता सकते हैं, ये तो जैसे अब इलेक्शन आ गया पता नहीं कौन कौन से साथियों के ऊपर किस किस के ऊपर और भी रेड्स होंगी। सर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये आपके यहाँ रेड की है, वो तो लिखना ही है, मनी लॉन्ड्रिंग लिख दो कहीं से, कोई उसके अकाउंट में पैसे भी तो आए हों, कोई उसके अकाउंट में पैसे आए हों तो फिर तो मनी लॉन्ड्रिंग होगी ना, कि कोई पैसा आया, कोई उसका बिजनेस होगा तो उसमें से तो पैसे आएंगे। अब माइनिंग का काम ये करते हैं या ये करते हैं या आप करते हैं तो आप दिलबाग सिंह को पैसे क्यों देंगे, या अगर कोई और कोई काम करते हैं तो उसमें दिलबाग सिंह को आप पैसे क्यों देंगे? ये सरकारी ठेका है, सरकारी ठेका ठेकेदार लेते हैं, जो माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑक्शन पे लेते हैं, तो वो उनकी जिम्मेवारी है बताना। तो किस ग्राउंड पे आज गिरफ्तार करके ले? ग्राउंड राजनीति ग्राउंड है और क्या है, आप हमारे से ज्यादा जानते हैं। नहीं इसमें जो आज उन्होंने बोला पूछताछ के लिए ले गए या हिरासत या क्या बोल? नहीं नहीं पूछताछ के लिए लेके गए, अब उनको पता होगा हमें तो ये दे गए हैं कि हमने अरेस्ट कर लिया है, इससे ज्यादा उन्होंने ये हमें जाते हुए साइन करा के ये पकड़ा गए हैं। अब अपने वकील से बात करेंगे, एडवोकेट से बात करेंगे कि इसमें क्या है। 5 दिन से ईडी थी, ऐसा क्या कर रही थी मान लो कि कुछ भी नहीं, क्या जांच चल रही थी? कुछ भी मिला? कुछ नहीं मिला आपके सामने है, ये मैं आपको इसकी एक कॉपी दे देता हूँ। क्या हो रहा था 5 दिन से ईडी आपके घर पे? 5वां दिन था भाई। देखिए अभी ये तो डिस्क्लोज, ये राजनीतिक खेल है सारा, और दिलबाग सिंह डरने वालों में तो है नहीं। प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, कोई टॉर्चर कर रहे थे कुछ ऐसा कुछ? नहीं टॉर्च, देखिए जिसके घर में 10 CRP वाले कमरों में बैठे हैं और 8-10 और लोग आके कमरों में बैठे हैं, तो वो प्रेशराइज नहीं होगा और क्या होगा? और सारा दिन हम तो 6 दिन से उनकी कस्टडी में हैं ऑलरेडी, कोई ये किसकी शय पे आपको? नहीं नहीं शय का मैं नहीं कह सकता किसकी शय पे हुआ, ये तो वो तो जो आने वाले हैं वही बता सकते हैं किसकी शय पे हुआ किसकी नहीं हुआ। लेकिन हमें तो आप पिछले 3 साल में 2 बार इनकम टैक्स वाले, पहले 19 में फिर 21 में और अब ये अभी 24 का पहला हफ्ता है, तो हमारे से ये क्या चीज़ पूछना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं? हमारे पास तो जो आम दुनिया के पास जितना का है, मकान भी हमारे ग्रैंडफादर का बना हुआ 1960 का, लैंड भी हमारे पास वही है जो हमारे दादा परदादा की है, तो बाकी हमें तो और कोई दिखाई नहीं देता। ये कुछ भी एलिगेशन कुछ भी लगा देते हैं, उसके बाद ले जाओ अंदर, उसके बाद कोर्ट में कंटेस्ट करते रहो, आगे कोर्ट की मर्जी है जो भी है। बार बार जानबूझ के हरासमेंट की जा रही है। बस आप ज्यादा समझदार हैं हमारे से, आप देखिए ना जी, इनकम टैक्स एक बार ही आ जाए तो वो 10 साल का हिसाब ले जाता है पीछे वाला भी, तो हमारे से तो आप देखिए कि एक बार 19 में, एक बार 21 में और ये थर्ड 24 में
ये शुरुआत 24 की है, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा प्रेस के साथी हैं, आप ज़्यादा समझते हैं। मेरे पास तो ये जो हमारे से सीज करके लेके गए हैं वो आपके सामने पड़ा है। तो जिस तरह से सर आप बता रहे हैं कि लगातार रेडियो हो रही है, क्या पॉलिटिकली दबाव लग रहा है आपको? ये कल्ली सारे विपक्ष के ऊपर हो रही है, कल्ली दिलबाग सिंह जी के ऊपर नहीं हो रही, जितना भी विपक्ष है उसको डराया जा रहा है। नेक्स्ट कदम क्या होगा सर? नहीं, हम अपनी लीगल लड़ाई लड़ेंगे, इसमें तो यही है, और क्या होगा। ठीक है सर, एक बार दिखाना है डॉक्यूमेंट।